हेलो गाइस, वेलकम इन द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ ASP.NET। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉपअप कंट्रोल एक्सटेंडर। गाइस, पॉपअप कंट्रोल एक्सटेंडर सिमिलर है कैलेंडर एक्सटेंडर की तरह, और ये आपको ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर की तरह भी थोड़ा अब लगेगा, और थोड़ा आपको होवर मेनू एक्सटेंडर की तरह भी लगेगा। जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कैलेंडर एक्सटेंडर में हमने देखा था कि एक बटन पर एक कैलेंडर कैसे विजिबल होता है, और जो भी हम कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाती है। बट कैलेंडर एक्सटेंडर में सिर्फ कैलेंडर ही वहाँ पर आता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ या फिर बटन के साथ। होवर मेनू एक्सटेंडर में जो हम लोगों ने देखा था वो किसी भी कंट्रोल के ऊपर जब माउस पॉइंटर मूव होता है तो कोई और कंट्रोल हम लोग वहाँ पर विजिबल कर सकते हैं, वो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर में भी सेम था, किसी और कंट्रोल के लिए आप किसी और कंट्रोल को एज अ ड्रॉप डाउन बोल के सेट कर सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही ये कंट्रोल है, यहाँ पर किसी कंट्रोल के लिए किसी और कंट्रोल को आप एज अ पॉपअप सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉपअप कंट्रोल एक्सटेंडर। तो इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स विथ कैलेंडर आप लोगों को बताने वाला। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग कैलेंडर पॉपअप बोल के सेट करेंगे, और दोनों भी सर्वर कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो हम डेट सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर के थ्रू, ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स को अजाइन नहीं होगी, इसको हमको थ्रू कोड अजाइन करना होगा। तो जैसे मैं इस एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप कोई भी दो कंट्रोल एक दूसरे के लिए पॉपअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉपअप एक्सटेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एंड वी हैव अनदर सर्वर कंट्रोल दैट इज कैलेंडर। तो हम लोगों ने ऐसे दो कंट्रोल लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक ये हमारा सर्वर कंट्रोल है। और इसका लगे तो हम लोग ऑटो फॉर्मेट कुछ और रख देते हैं यहाँ पर, आई कीप दिस। और इसके बाद इस कैलेंडर के बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर पॉपअप कंट्रोल एक्सटेंडर। और बहुत ही सिंपल है गाइज इसको यूज़ करना, इसके आप लोगों ने एक 4 से 5 प्रॉपर्टीज सेट करने हैं एंड यू विल गेट योर वर्क डन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी टारगेट कंट्रोल आईडी। क्या होगा टारगेट कंट्रोल आईडी? दैट इज टेक्स्ट बॉक्स 1। सेकेंड प्रॉपर्टी पॉपअप कंट्रोल आईडी, दैट विल बी योर कैलेंडर। तो उसको आप लोगों को पॉपअप करना है कैलेंडर 1, एंड देन यू विल गेट अ प्रॉपर्टी दैट इज पोजीशन ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई। तो यहां पर आप लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी पोजीशन, ये देखिए बाय डिफॉल्ट सेंटर है, इसको आप टॉप सेट कर सकते हो, लेफ्ट, बॉटम, राइट, मैं इसको बॉटम सेट कर देता हूं। और अगर आपको ये पोजीशन इन बिटवीन चाहिए तो उस केस में हम लोग ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई ये प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर सकते हैं। अब कैलेंडर तो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, बट इस कैलेंडर से हम जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे वो इस टेक्स्ट बॉक्स को असाइन नहीं होगी, तो वो कोड आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम इस कैलेंडर का इवेंट यूज करेंगे सिलेक्शन चेंज, और इसमें हम कोड लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.text equals to calendar 1 dot selected date dot and then we will take date, or you can simply write here selected date also, no need to write date again, and let's load this page into the browser. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो कैलेंडर है ये विजिबल होगा, और इससे आप जो भी डेट सिलेक्ट करोगे वो इस टेक्स्ट बॉक्स में असाइन हो जाएगी। राइट, तो काफी आसान है इस कंट्रोल को यूज करना, पॉपअप कंट्रोल एक्सटेंडर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई डिफिकल्टी होगी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।